This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 क्षितिज का साखियां एवं शब्द, जिसे लिखा है कबीरदास जी ने। तो शुरू करते हैं हम लोग साखियों की एक्सप्लेनेशन से। तो जो फर्स्ट टेंस है उसके अंदर कबीरदास जी ये कहते हैं, उन्होंने जनरली जो व्यक्ति हैं मतलब जितने भी लोग हैं उनकी तुलना हंस से करी है। और वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इससे सच्चाई समझ लेता है। तो मतलब मनुष्य को भी यही लगता है कि जो जीवन का हमारा माया जाल है इसे ही वो सच्चाई समझ लेता है। सेकंड स्टेंस के अंदर कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रेम है उसे कंपेयर करा है ईश्वर से, तो इन दोनों को ढूंढना बहुत मुश्किल है और वो इन्हें ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं। प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष, मतलब कि जो भी शरीर के अंदर नेगेटिव चीज है, जो भी उनके अंदर गलत भावनाएं हैं, जहर घुला हुआ है मन के अंदर, जैसे बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, जहर घुला हुआ है इसके मन के अंदर, तो मतलब कि बहुत नेगेटिव पर्सन है। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं यानी कष्ट जो भी हैं उनके, वो सब किसके अंदर बदल जाएंगे, अमृत के अंदर। तो अमृत तो हम सबको पता ही है, तो अमृत के अंदर बदल जाएंगे। और इसका मतलब यही है कि उनको प्रेम रूपी ईश्वर मिलने से जो उनके दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे। थर्ड स्टेंस के अंदर कबीरदास जी ने ये कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है। तो उन्होंने क्या कहा, संसार को कुत्तों से कहा है, मतलब जो भी आसपास के लोग हैं, अरे इन सबको, हाँ उन्होंने मतलब इसी तरीके से कंपेयर करा है। अब कोई आपको कुछ कहेगा, मान लो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो कोई कहेगा, अरे ये क्यों पढ़ रहे हो, इसमें तो तुम बहुत अच्छे थे, ये मत पढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। तो संसार का काम है बोलना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता रहेगा, तो उन्होंने यही बोला है। और हमें इन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और चलते रहना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए अपने काम पर, ना कि और लोग क्या बोल रहे हैं, एक दिन वो लोग स्वयं चुप हो जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड स्टेंस का एक्सप्लेनेशन ये था। अब चलते हैं फोर्थ स्टेंस के ऊपर। तो फोर्थ स्टेंस के अंदर संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। पक्ष विपक्ष क्या, कि ये तेरी टीम है, ये मेरी टीम है, तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, तू सही है। तो इस चीज़ की वजह से क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है पूरे संसार के अंदर। ये अमेरिका है, ये इंडिया है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, कभी इंडिया अमेरिका का दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, पक्ष विपक्ष होता रहता है। और भूल भुलैया में पढ़कर, इसी भूल भुलैया के अंदर पढ़कर प्रभु को भूल गया है पूरा का पूरा संसार। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निपक्ष, मतलब कि ना वो मतलब किसी की साइड है, वो अपना ही ध्यान दे रहा है और प्रभु के भजन में ध्यान लगा रहा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है कबीरदास जी के अकॉर्डिंग। फिफ्थ स्टेंस के अंदर कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन करते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहकर मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वे व्यक्ति जीवित हैं जो कि इन दोनों ही बातों में नहीं पढ़ते, जो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, जो भगवान को एक ही मानते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं मानते भगवान के अंदर। सिक्स टेंस के अंदर कबीरदास जी ये कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी। तो काबा क्या है, एक तरीके से मुस्लिम्स का एक बहुत ही होली प्लेस है, जहाँ पर मुस्लिम्स को जाना मतलब कंपल्सरी होता है। और काशी भी एक बहुत ही अच्छी है, हमारी हिंदूज़ की एक प्लेस है जहाँ पर सारे हिंदू लोग जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि या तो आप काबा जाएं या फिर काशी जाएं। राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। तो दोनों चीज़ें सेम ही है, चाहे आप राम भजते हो चाहे आप रहीम भजते हो। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से वो मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही आते हैं। तो यहाँ पर देखो कबीरदास जी ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि अगर हम लोग गेहूं को पीसते हैं तो उसका आटा बन जाता है। अब आटे को ही आप थोड़ी और देर तक पीसते रहोगे तो उसकी मैदा बन जाएगी,
दोनों एक ही चीज़ से बनी हुई चीज़ें, किससे? गेहूं से। दोनों खाने के यूज़ में आती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने समझाया है कि आप चाहे राम भजो चाहे आप रहीम भजो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। तो आप दोनों जगह, चाहे तो आप काबा जाओ चाहे आप काशी जाओ, दोनों ही जगह पर आपको प्रभु के दर्शन तो होंगे ही। सेवेंथ स्टेंस के अंदर कबीरदास जी कहते हैं, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। तो अगर आप अपर कास्ट हैं, आपके अपर कास्ट में बॉर्न हुए हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के कर्म मैटर करते हैं कि वो किस तरीके की हरकतें करता है, क्या चीज़ें करता है। अगर कोई उच्च कुल का व्यक्ति भी बुरे कार्य कर दे, मान लो कोई गलत काम कर दे, किसी का मर्डर कर दे, किसी को गोली मार दे, भाग जाए ऐसे रन करके, तो वो जो उच्च कुल का व्यक्ति है उसे भी सजा उसके कर्मों के अनुसार ही दी जाएगी। अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझो, जैसे सोना होता है, सोने को हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर सोने के कलश के अंदर हम लोग शराब रख देंगे तो वो शराब तो शराब ही कहलाएगी, सोने के कलश में भी रखी जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि चाहे आप कितने भी उच्च कुल के अंदर हों, लेकिन आपके कर्म कैसे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अब देखने वाले हम लोग शब्द का एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट टेंस की पंक्तियों के अंदर कबीरदास जी ने बताया है, मनुष्य ईश्वर को ढूंढने में इधर उधर भटकता रहता है। कभी वो मंदिर जाता है, तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण करता है, और तो कभी कैलाश घूमने जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीरदास जी ने महज आडंबर बताया है। इस प्रकार वे अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, मनुष्य सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वो हर जगह हर कण कण में व्याप्त है, मतलब कि हर जगह भगवान प्रेजेंट है। अगर हम उन्हें ढूंढना चाहें तो वो हमें कभी भी और कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सेकेंड स्टेंस की एक्सप्लेनेशन है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है, तब कमज़ोर पड़ी हुई झोपड़ी, मतलब जो झोपड़ी होती है ना, जो घर होता है टेंट टाइप जो घर होता है, वो झोपड़ी कमज़ोर सी जो होती है, जब आंधी आती है ना, तब क्या होगा उस झोपड़ी के साथ, चारों ओर से जो उसकी दीवार है वो गिर जाती है और वो बंधन मुक्त हो जाती है, मतलब कोई भी चीज़ अब उसे रोक नहीं सकती, अब वो उड़ रही है यहाँ से या चली गई। तो और खंभे भी जो है ना, वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, धाराशाही हो जाते हैं वो भी, ठीक है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, मतलब जो भी जिसका भी किसी से अटैचमेंट होता है, जैसे कि किसी का फ़ोन से अटैचमेंट है, अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा फ़ोन होना चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, उसको मतलब ये नहीं है कि भैया मेरे पास सबसे बेस्ट फ़ोन होना चाहिए, वो किसी से जलेगा भी नहीं कि अरे मेरे दोस्त के इतने अच्छे नंबर आ गए, अब तो मुझे जलन हो रही है, मुझे उससे अच्छे नंबर लाने चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं रहती। छत को गिरने से रोकने वाली जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो खंभे को जोड़ता है, वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, और छत के गिरने की वजह से जितना भी सामान इस झोपड़ी के अंदर रखा होता है वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, मतलब अपना कुछ नहीं देखता, सेल्फिशनेस जो होती है ना किसी भी इंसान के अंदर, ये मेरा है, इसको कोई टच मत करो, ये सारी चीज़ खत्म हो जाती है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो उसका मोह है, मतलब जिससे भी अटैचमेंट वगैरह है, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का जो समस्त विकार है वो नष्ट हो जाता है, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें मन के अंदर होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, लालच, ये सारी चीज़ें, गलत भावनाएँ, सब चीज़। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, मतलब जिनका घर मजबूत है, ऐसे आंधी आई लेकिन उनके घर को कुछ भी नहीं कर पाई वो आंधी, तो यानी कि उनके मन के अंदर कुछ भी कपट नहीं था, मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ें उनके मन के अंदर नहीं थी, लालच वगैरह नहीं था, सेल्फिशनेस नहीं थी, और साधु स्वभाव के वो लोग कहलाते हैं जिनके घर को कुछ भी नुकसान नहीं होता इस आंधी से। तो उन्होंने आंधी का कोई
प्रभाव नहीं पड़ता तो इन लोगों को आंधी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहीं पर जो हमारे शब्द हैं ये भी इसकी भी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कबीरदास जी ने क्या कहा था आटे को लेके, कि आटे किस चीज़ से बनता है, आटा क्यों से बनता है, तो आटे से उन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन करी थी आटे से रिलेटेड, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो, बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।